नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी, आयुष ग्राम ट्रस्ट चित्रकूट से। आज हम चर्चा करते हैं न्यूमोनिया पर, है कि लगभग हर जिलों में न्यूमोनिया से ग्रस्त तमाम बच्चों की मौतें हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे एडमिट हो रहे हैं। ये तो सरकारी अभी अस्पतालों का के समाचार हैं, इससे ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग इलाज करा रहे होंगे। आयुर्वेद में इस रोग को श्वसनक ज्वर कहा गया है। माधवकार ने मैंने लघुत्रय में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है और इसकी सफल चिकित्सा भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी है। और अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरतें, थोड़ा सावधानी रखें, तो इससे बचाव भी अच्छी तरह किया जा सकता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस की जब बात करते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है वो उसके द्वारा इस रोग का जन्म होता है, लेकिन इसका जो भी वायरस, जो भी बैक्टीरिया, जो भी फंगस है ना, वो श्वास के माध्यम से नाक के द्वारा प्रवेश करता है और फेफड़ों में जाकर के फिर संक्रमण पैदा करता है। लेकिन जब हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो इसमें प्राणवा स्रोत दृष्टि होती है, रस धातु की दृष्टि होती है और अग्निर्माण होता है, आम का निर्माण होता है, अपच होता है। ये स्थितियां बनती हैं और इसके बाद फिर श्वसनक ज्वर यानी न्यूमोनिया और कपका बनना, सांस फूलना, बहुत ही बेचैनी होना, घबराहट होना, और जब ये तीव्र अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर फेफड़ों में पानी भी आ जाता है, फेफड़ों में पस भी हो जाता है। तो अब हमें चर्चा करनी है दो विषयों पर, एक तो बचाव पर कि न्यूमोनिया हो रही, और दूसरा अगर हो जाए तो हम कैसे इससे उबर सकें। तो बचाव कैसे हो सकता है, पहले में से कारण को समझें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। होता क्या है, जब ऋतु संधि काल आता है या ऋतु परिवर्तित होती है उस समय इस तरह की व्याधियां अवश्य होती हैं, क्योंकि उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति नहीं प्राणी मात्र की कमजोर पड़ जाती है, और प्राणी मात्र की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से और भी तमाम व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब इस समय चूंकि जो जल है वो अम्ल विपाकी हो जाता है, इस समय जो जल का जो विपाक है वो अम्ल हो जाता है, उधर वायु चूंकि वर्षा ऋतु चल रही है तो वायु का प्रकोप है ही, और जल के अम्ल विपाकी होने से जो कप की वृद्धि हो रही है, कप की वृद्धि हो जाने से स्रोतोरोध हो रहा है, अग्निर्माण हो रहा है, इस समय कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी जो भी अटैक करेगा, जो भी आक्रमण करेगा, उससे हम प्रभावित हो जाएंगे, उसी से रोगाक्रांत हो जाएंगे। अगर हमारे शरीर के वात पित्त कफ संतुलित रहे, अग्नि हमारी सम रहे और इंद्रिय मन और आत्मा ये तीनों प्रसन्न रहें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बनी रहती है, किसी भी रोग का आक्रमण नहीं हो पाता है। अब न्यूमोनिया से बचाव करने के लिए, तो देखिए मैंने बताया था अभी कि इसका जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है वो श्वास के माध्यम से प्रवेश करता है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, उसको अणुतेल का प्रयोग करना चाहिए, अणुतेल का प्रयोग करना चाहिए। अगर अणुतेल नहीं मिल रहा है तो सरसों का तेल ही अगर आप नाक में लगाएं, दिन में दो बार तीन बार बैक्टीरिया वायरस फंगस जो है नाक के बाहरी स्तर में वो चिपक के रह जाता है। हमें अग्नि को सबल रखना है, तो अग्नि को सबल रखने के लिए हमको गर्म पानी का प्रयोग करना है, हमें पीने में, खाने में, हाथ धोने में भी गर्म पानी का प्रयोग करना है। तेल का की मालिश जरूर होनी चाहिए, तेल के अभ्यंग से एक तो अग्नि सबल होती है और क्या है वात का समन होता है, तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो बच्चों को भी तेल की मालिश होनी चाहिए, बच्चों में भी अणुतेल का प्रयोग होना चाहिए नाक में दिन में दो तीन बार। तरह से उन्होंने सुश्रुत ने 14 प्रकार से प्रतिमर्श नस्य का अभियान किया हुआ है। भोजन में हम जो करें अदरक का प्रयोग करें, लेकिन सबसे अच्छा शुंठी का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुंठी में एक बहुत अच्छी विशेषता है कि वो खाने के समय तो कटु लगती है लेकिन पचने में मधुर हो जाती है, तो मधुर होने से वात का समन कर देती है और कटु रस होने से कफ का समन कर देती है, मधुर विपाक होने से पित्त का भी समन कर देती है, तो वो एक तरह से त्रिदोष शामक हो जाती है। तो हमें शुंठी का प्रयोग करना चाहिए, 5 ग्राम पुराना गुड़ और 2 ग्राम सौंठ का पाउडर, उस दोनों को मिला करके और खाने के पहले ले लेना चाहिए गर्म पानी से इस समय,
तो आप ये समझिए कि किसी दिन निमोनिया इत्यादि के जो भी संक्रमण होने वाले हैं उससे मुक्त रहेंगे, बिल्कुल मुक्त रहेंगे। लौंग का चूषण करना चाहिए, लौंग को चबाना चाहिए, इलायची चबाना चाहिए, दालचीनी का चूषण करना चाहिए, ये बड़ों के लिए हम बता रहे हैं। अब बच्चों की बात आती है तो बच्चे तो सौंठ नहीं खा पाएंगे, तो बच्चों के लिए ये है कि बच्चों के उदर में लेपन करना चाहिए, सौंठ का लेप बना करके, सौंठ के पाउडर का लेप बना करके उसके उदर में लेपन करिए आप। लेकिन अगर इस समय मैं फिर से बता दूं कि लहसुन, अजवाइन और शुंठी पाउडर, इन तीनों को डाल करके और कड़ुआ तेल पका करके और इसको अगर मालिश करें बच्चों की, और मालिश के बाद बच्चों को स्नान करावें, तो आप समझिए कि अग्नि बहुत अच्छी बढ़ी रहेगी और निमोनिया से बचाव होगा। तो मूंग के दाने के बराबर हींग को लेकर के पानी में डाल के घोल बनाए, थोड़ा पानी डाल के घोल बना लीजिए और उसके दसों नाखूनों में बच्चे के लगा देने चाहिए, नाभि में लगाना चाहिए और कान के पीछे उसको लगा देना चाहिए। तो इसके प्रभाव से निमोनिया से बचाव होता है। अगर बैक्टीरिया वायरस एक तो बच्चे के पास आएगा नहीं। इसके अलावा और सामान्य घरेलू उपाय ये है कि तुलसी का रस लेकर के बच्चे को एक दो बूंद नित्य पिलाया भी जा सकता है और बच्चे के नाखून में भी लगाया जा सकता है। लौंग घिस के बच्चे के नाखून में भी लगाया जा सकता है और आधी कच्ची लौंग, एक लौंग ले लीजिए, बच्चा छोटा है तो उसको आधा कच्चा और आधा पका, आधी जो है भून लीजिए और आधी कच्ची रहेगी, उसको पीस करके और हम सुबह शाम दोपहर मधु के साथ चटाने से बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है और निमोनिया का आक्रमण नहीं होता है। बाल चातुर्भद्र चूर्ण भी आता है बाजार में, जिसको गांव में लोग चौबी कहते हैं। बड़ा बच्चा है यानी 6 माह से बड़ा है, 1 साल के अंतर्गत है, तो उसको 750 भी दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप उसको आराम से 1 ग्राम आप बाल चातुर्भद्र चूर्ण, कई कंपनियां बनाती हैं, मेडिकल स्टोर मिल जाता है, 1-1 ग्राम चूर्ण को लेकर के और शहद में घोल करके बच्चे को चटाइए और थोड़ी सी गर्म पानी मिला दीजिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और निमोनिया से वो बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि एक दुकान मेडिकल स्टोर में एक दवा मिलती है रसपीपरी ले आइए, कई कंपनियां अच्छी बना दी है आप, तो रसपीपरी की गोली, एक गोली दिन में 2 बार बच्चों को इस समय देने से आपका बच्चा निमोनिया से पूरी तरह से बचा रहेगा। इसके अलावा आप लहसुन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लहसुन का रस नाखूनों में लगाइए, दसों नाखूनों में लगाइए लहसुन का रस और एक बूंद से बहुत कम थोड़ा सा कम जो है नाभि में लगाइए। इससे बच्चे पर निमोनिया का प्रभाव नहीं होगा। अगर निमोनिया हो भी गया है तो भी ये उपाय बहुत अच्छे कारगर हैं। सामान्य निमोनिया तो घर में ही ठीक हो जाता है। लहसुन का टुकड़ा तोड़ करके धागे में बांध करके उसके कलाई में और गले में भी बांध देना चाहिए, उससे निमोनिया समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, गर्म पानी का प्रयोग, बच्चे का प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, घर के जो बच्चे का स्पर्श करें, बच्चे को गोदी लें, वो भी साफ स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो तमाम तरह से बच्चे में बैक्टीरिया वायरस के संक्रमण हो जाते हैं, बच्चे जो कमजोर होते हैं उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो क्या है कि बच्चे बहुत जल्दी रोगों से प्रभावित हो जाते हैं। बच्चे को अगर बॉटल का दूध पिला रहे हो तो बॉटल बहुत साफ सफाई से रखी जाए, उसको अच्छे ढंग से साफ करके और फिर उसमें दूध भरा जाए। और जिस गाय या बकरी का दूध दें सबसे अच्छा है कि बकरी और गाय का दूध दिया जाए, तो गाय और बकरी का वो दोनों स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बीमार गाय का और बीमार बकरी का आप दूध देंगे ना तो बच्चा बीमार हो जाएगा। आप दाल का सूप भी बच्चे को दे सकते हैं, खिचड़ी भी पतली पतली बना के दे सकते हैं, इससे बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और निमोनिया से अगर संक्रमित हो गया है तो बच्चा बहुत जल्दी उभर के आएगा और निमोनिया के दौरान भी ये दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को पूरी नींद लेने दें, बच्चे को पंखे की तेज हवा से बचाएं, एसी से बचाएं, और भी जो लोग निमोनिया से बचना चाहते हो पंखे की तेज हवा से बिल्कुल बचें। तो इस तरह से हम लोग निमोनिया से बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं। और ये जो देखिए अस्पताल में जब जाते हैं ना तो तमाम पैसा भी लगता है, हमको मानसिक तनाव भी होता है, रोगी को भर्ती होने पड़ता है, जीवन बचता है कि नहीं बचता ये भी बड़ा संदेह रहता है, और तमाम बच्चे एंटीबायोटिक इत्यादि का प्रयोग कराते हैं अस्पतालों में तो बच्चा महीनों जो है परेशान बना रहता है। और हम जब अस्पतालों से आते हैं उभर करके अस्पतालों से बच्चों को लेकर, तो हमारी मानसिक स्थिति भी महीनों खराब रहती है। तो इस तरह से हमारा प्रयास यह है कि पहले घरेलू इलाज करें, पहले तो हम बचाव करें, बचाव के मैंने बड़े उपाय बताए हुए हैं, और इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो हमारा एक मोबाइल नंबर है, आप उस पर बात करें 8948111166। इस नंबर पर आप कॉल करके, हम फिर से नंबर बता देते हैं 8948111166। इस नंबर पर आप वार्ता करें, आप
अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा, निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। अगर आपका बच्चा किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट है निमोनिया के कारण से, या कोई आपका रोगी हॉस्पिटल में भी एडमिट है और आप बहुत परेशान हैं, तो इस नंबर पर आप कॉल करें, हम आपकी बिल्कुल निःशुल्क सेवा करेंगे। हाँ, हमारा उद्देश्य आपके स्वास्थ्य की रक्षा है। जय आयुर्वेद।